इसने फारूक को चुड़ैल चिमड़ गई है मुझे। तुम्हारी जान बचाने के लिए जो बन पड़ा वो करूंगा मैं। जुल्म जल्द आ रहा है। नमक हलाल साहब, नमक हराम। बस You are craving for cigarettes, right? Yeah, but how do you know? I know everything. Interesting. You know what I was thinking? कि मार्केट जाके सिगरेट ले आऊँ। नहीं, तो मैं किसी मुलाजिम को भेज देती हूँ, वो ले आएगा। अरे नहीं, अगर मुलाजिम ने किसी को बता दिया तो? Oh, okay. वैसे इस वक्त ना सिगरेट मुरीद के पास से मिलेगी। मुरीद से? You sure? Stop with us, bus. You know, well, that's a very good idea. मैं सोच रहा था मुरीद से मिल लो, ये बहाना भी अच्छा है, पर यार वो बोलता बहुत कम नहीं है। मुरीद को सुनने के लिए उसके पास जाना होगा। ओके। अरसल साहब, सर आप सब मेरे गरीब खाने में आइए ना सर, आइए 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 आइए, प्लीज तशरीफ रखिए। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के साहब। मैं चाय बनाता हूँ, चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। सिगरेट? चाय नहीं चाहिए, तैमूर ने बताया था। सिगरेट मेरे का, वो सिगरेट तो क्यों नहीं सर, सिगरेट आपको मैं। ये एस्टे साहब। सिगरेट सर। वैसे यार ये तुम्हारा सर्वेंट क्वार्टर ही है ना, लगता नहीं सर्वेंट क्वार्टर जैसा। क्या ये जो सब कुछ है इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, बंगले वालों का है। बंगले वाले जब किसी सामान से बोर हो जाते हैं या खराब हो जाता है तो घर से बाहर निकाल देते हैं, और मुझे बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करने का शौक है साहब। ठीक करके अपने सर्वेंट क्वार्टर में रख लेता हूँ, मेरे अब्बा भी ऐसा ही करते थे। ये सारा सामान 25-30 साल में इकट्ठा हुआ है साहब, कल की बात नहीं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है तुमने? हाँ। लॉ भी जानते हो? तो फिर यहाँ क्यों अपने आप को जाया कर रहे हो? पढ़ना लिखना मेरा शौक था साहब, जो मैं कर रहा हूं वो मैं हूं। जद्दी पुश्ती नौकर, नमक से बड़ा गहरा रिश्ता है मेरा साहब। एक बात कहूं, नमक का जायका ज्यादा देर तक नहीं रहता, ये चुटकी हर भूख के साथ चाहिए होती है। और ये गन? माजर चाहता हूं सर, वो जिम्मेदारी है ना। कैसी? साहब का नौकर हूं,
साहब के हुक्म की तामील करना और उनकी सांसों की हिफाजत करना। बस इसीलिए ये गंदी। काफी गहरे इंसान हो मुरीद तुम। इस गहराई में मत झांकिए साहब। झांकने की पूरी कीमत वसूल करता है मुरीद, और गहरे कुएं की तरह कुछ नहीं उगलता। वैसे मजाकन मुंह से निकल गया, उम्मीद करता हूं आपने बुरा नहीं माना होगा। नहीं नहीं यार, बुरा क्यों मानना। अरे ये क्या हुआ? क्या आपकी सिगरेट खत्म हो गई साहब? ये बुझाइए। एक और सिगरेट लीजिए ना। अरे नहीं नहीं आज के लिए बस इतना है। ले लीजिए ना। आपसे गुजारिश करूं साहब? करो। सालों से यहाँ अकेला रहता हूँ, अकेले सिगरेट पीता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी और आपकी कोई बराबरी नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी एक सिगरेट आपके साथ पी लूँ। हाँ आप पूछ कर रहे हो, लगाओ। नौकर हूँ ना साहब, नौकर होने के सारे तकाजे पूरे करता हूँ। मैंने कहा ना आपसे, नमक से बहुत गहरा रिश्ता है मेरा, इसलिए आपसे पहले पूछ लिया है, कहीं आप बुरा ना मान जाए। वैसे कभी कोई लड़का तो नहीं आया ना यहाँ सिगरेट पीना? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखा था फंक्शन। क्यों? तो नजर पड़ गई आपकी। दो किस्म के आंसू होते हैं साहब, खुशी के और गम के। मैं गम में अपनों को याद नहीं करता, खुशी में करता हूं। हम नौकरों की खुशी अपने मालिकों के साथ मुंसलिक होती है। साहब की खुशी का दिन था, अम्मा अब्बा याद आ गए, बस आंख भर गई। मैं सिगरेट लगा लूं साहब? हाँ हाँ यार लगाओ, पूछ क्यों रहे हो, लगाओ। शुक्रिया। चलो अच्छा लगा तुमसे मिलकर, होती रहेगी मुलाकात सिगरेट के बहाने। अरे सर आपको बहाने की क्या ज़रूरत है, मेरे दौलत खाने के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप आएंगे तो खुशी होगी मुझे। वैसे मुझे लगता था मुरीद तुम काफ़ी कम बोलते हो, फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम्हें सुनने के लिए तुम्हारे पास आना होगा। एमल ने बताया। अच्छा अब्बा जी ने जब ये घर बनाया था ना, तो आसपास के रहने वाले इसको किला कहते थे, क्योंकि इससे बड़ा घर और कोई नहीं था। फिर अमीन ने बदलते वक्त के साथ साथ इसको जदीद से जदीद बना दिया। ठीक कह रही हैं, लेकिन घर तो घर वालों के साथ ही होता है ना। मेरी दोनों बेटियां चली जाएंगी तो सिर्फ दीवारें बचेंगी। आप बेटियों ने तो जाना ही होता है, और बेटा मेरा है नहीं। ऐसा नहीं कहते आसिया, अरसी भी तो तुम्हारा ही बेटा है। खुदा सलामत रखे उसे। आप पकड़ेगी उसे नहीं?
तुम अभी तक तैयार होना शुरू नहीं हुई, पता है ना कितना टाइम लग जाएगा। मैं फौरन तैयार हो जाऊंगी, बस मुझे 2 मिनट मार्केट जाना था। मार्केट, वो भी आज के दिन? क्या कह रही हो, बारात है आज? बस जरूरी है ना जाना। वो आप ही की कोई चीजें रह गई, वो लेनी है मुझे, ज्वेलरी की। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने उसकी हर चीज तैयार करके रखी है। जाने देना, मैं आप ही से भी इजाजत ले चुकी हूँ। बहुत तंग करती हो हेमल तुम, अब इस टाइम मैं तुम्हें किसके साथ भेजूं? मुरीद है ना, मुरीद ले जाएगा मुझे। मुरीद? जी बेगम साहिबा, हुकुम। एमल बीबी को बाजार ले जाओ, उन्हें छोटा सा काम है, और जल्दी वापस आना। जैसा आपका हुकुम बेगम साहिबा, लेकिन अभी बहुत से काम बाकी हैं। साहब ने भी कहा है अगर आप अरसल साहब से कहें वो इन्हें ले जाए तो। हाँ, कह तो ठीक ही रहा है। अरसल, जरा एमल को बाजार ले जाओ, इसे कोई जरूरी काम है, लेकिन जल्दी वापस आना, समझी? जी वो मानी, ठीक है। थे। चले मां? चलो। क्या याद करोगे, एक ऐसी जगह ले जाती हूँ कि वहां का खाना खा के उंगलियां चाटते रह जाओगे। ऑलरेडी काफी लेट नहीं हो गया मां? बस बस 5 मिनट लगेंगे ना, बस इधर ही आगे। अच्छा काशिफ, ये जो खाली जगह है ना, यहां कुछ लड़ियां लगा दो। देखना ज्यादा मत लगाना, आंखों में ना चुभे। दरवाजा कैसे खुला? मैंने खोला तो खुल गया बेगम साहिबा। चलता हूं। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो कुछ गिफ्ट है, बेगम साहिबा ने कहा है कि रूम में रखवा दो। बताओ नाम, इधर थोड़ी ना बैठ के खाएंगे। सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक, आप कैसे? इधर बैठेंगे ना। यहाँ? हाँ तो। ओके। दो प्लेट्स अंकल, पानी बहुत और फुल खट्टा। अभी लाया बेटा। मैं मुरीद अक्सर आते हैं यहाँ। अच्छा, कितनी बार आ चुके हो? हाँ, गिनना मुश्किल है, बहुत दफा। जब हम बाइक पे आते ना, मगर दो बाला हो जाता है। ये लो बेटा, फुल खट्टा। थैंक यू। ओहो,
तुम खाओ, मैं गाड़ी में। यहाँ नहीं लगाना ये, तुमसे कहा था ना मैंने कि यहाँ नहीं लगाना, साहब देखेंगे तो बुरा मानेंगे। हाँ यहाँ इसको यहाँ देखो। कर दिया मैंने अपना अधूरा जवाबों का। मुरीद नीचे। बड़ा शौक हो रहा था ना मुझे एसएल के साथ भेजने का, अब भुगतो। जी साहब। पानी नहीं गया? प्यास तो है पर पानी से नहीं बुझेगी। जा। कहिए साहब क्या चल रहा है तुम्हारे और रेमन के दरमियान? मैं समझा नहीं साहब। तुम सब समझ रहे हो जो मैं पूछ रहा हूं। सुनो जा अंदर जाके देखो। मैं नौकर हूं साहब, पहेलियां बूझना मेरी ड्यूटी में नहीं आता, खुलकर बात करेंगे तो समझ जाऊंगा। इससे ज्यादा खुलकर और मैं क्या कहूं? कम ऑन मुरीद, टेल मी द ट्रूथ, कम ऑन। मैं जब भी अहमल से मिलता हूं उसकी हर बात में तुम क्यों आ जाते हो? और तुम जानते हो इस बात से क्या साबित होता है? आप गलत समझ रहे हैं साहब। साहब यहां से बाहर निकले ना, राहदरी से सीधे चलते जाए तो पीछे दूर कहीं कोने पे एक सर्वेंट क्वार्टर है। मुरीद उस सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ है, वहीं बड़ा हुआ है। मेरा सारा का सारा बचपन छोटी बेगम साहिबा और बड़ी बेगम साहिबा के साथ गुजरा है। माँ बाप बचपन में चले गए थे, बचपन से लेकर आज तक घड़ी की टिक टिक के अलावा अगर मैंने किसी की आवाज सुनी है तो वो इस घर के लोग हैं। इस घर का एक एक फर्द मेरी जिंदगी में सब कुछ है, पर इस घर के एक एक फर्द के लिए जानते हैं मैं क्या हूं? सिर्फ और सिर्फ एक नौकर। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। साहब बोलने का मौका देंगे तो बात पूरी समझा सकूंगा ना आपको। करो। मैं, मेरे अब्बा, मेरे दादा, मेरे परदादा, हम में से कभी भी किसी ने इस घर का असूल तोड़ने की कोशिश नहीं की साहब, लेकिन क्या करूं? अब बात छोटी बेगम साहब के रिश्ते की है तो मुझे ये असूल तोड़ना पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको सच, यही कमरा था साहब, एक महीना पहले की बात है, मैंने अपने कानों से सुना। छोटी बेगम साहिबा बड़ी बेगम साहिबा से ये तकाजा कर रही थी कि जब तक वो आपकी नेचर आपकी सोच को पूरी तरह नहीं जान लेती वो रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगी, इस रिश्ते की बात को आगे नहीं बढ़ाएंगी। आपका इम्तिहान चल रहा है साहब, और वो कह रही थी कि चाहे मर्द पाकिस्तान में हो या विलायत में, तंग जेन धक्के अनुसी मर्द का कोई इलाका नहीं होता। उन्होंने जाल बिछाया है साहब। मुझे जानना चाहती थी कि आप रोशन ख्याल हैं या तंग नजर। छोटा मुंह बड़ी बात, कहने से पहले ही आपसे माफी चाहता हूं, माफ कीजिएगा। जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं ना साहब, किसी अंधे को भी आप तंग नजर थकियानुसी नजर आएंगे। उन्होंने जाल बिछाया और आप फंस गए। अजल से ही दस्तूर चलता आ रहा है साहब, मालिकों ने हमेशा नौकरों को इस्तेमाल किया है, आज भी उन्होंने मालिक होने का सबूत दिया है और नौकर को इस्तेमाल किया है। अब फंस गए हैं साहब, इम्तिहान चल रहा है आपका। You're right. Thank you. ओके साहब,
आती देखें कौन आया आपसे मिलने। सादिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चा खुश रहो हमेशा। अंकल क्या? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आए स्टूल दें बैठे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप आ गए, वरना आप तो इस तरह दावतों पे कभी नहीं जाती। किसी और के बुलाने में इतनी तासीर नहीं होती जितनी तुम्हारे बुलाने में थी। मुझसे रहा ही नहीं गया। और शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। सदका दिया था, मैंने कहा था ना। सदका वो मैंने अम्मी से कहा तो था लेकिन शायद तैयारियों में रह गया हो। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं अभी मुरीद से करवा दूंगी। बहुत जरूरी था बेटा, आज ही दे देना याद से, ठीक है? जी बेटा, खुशी के मौकों पर अगर अल्लाह के बंदों को खुश कर दिया जाए ना, तो फिर आपकी खुशी उसकी हिफाजत में आ जाती है। बेशक। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्यों? आप अभी तो आई है, खाना खाए बगैर नहीं जा सकते आप। अरे कुछ तो खाती जाए, मीठा खा ले आके। इसे दुआ देने आई थी, दे दे। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह की अमान में रहो। ये तो बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? मेरा भी तो फर्ज है ना बेटे। अल्लाह हाफिज। खैर बजाओ बजाओ बजाओ। आया देखो दूल्हा जी, आया देखो दूल्हा जी, आयो देखो दूल्हा जी, आयो देखो दूल्हा जी। ये जो सारी खुशियाँ है ले आया है दूल्हा जी, ये जो सारी खुशियाँ है ले आया है दूल्हा जी। फूलों वाला टोकरा ते फूलों वाला सेरा, जैसा चेहरा ते उस पे बांधा सेहरा, आया देखो दूल्हा जी, आयो देखो दूल्हा जी, आयो देखो दूल्हा जी, आयो बल्ले बल्ले नितौर पजाओ मर्दी, नितौर पजाओ और
You look so gorgeous. मुझे ना बहुत एंजाइटी हो रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है. ऐसा होता है ऐसे मौकों पर. It's just separation anxiety. अहमद, इस्तकबाल के लिए जाओ ना बारात की. आप रुके, आप ही के पास हम चलते हैं. आ जाओ अक्सा सामिया, चलो 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 चलो. हाय अल्लाह, क्या शानदार बारात लेकर आए. ओए इस बच्चे को तो देखो कैसे ढोलक पे डांस कर रहा है. हुआ? हाँ बेटा, आप चले जाए. पक्का? तुम कह रही हो तो चली जाती हूँ. बेटा एक काम करो, अब पानी पी लो, तबीयत बहल जाएगी. आप जाए एमल, बेटा मेरा ख्याल आप रेस्क्यू शुरू करनी चाहिए, जाके बहन को ले आओ. अभी लाए. अच्छा 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 आती आती कहाँ गई? वॉशरूम में गई, मैं चेक करती हूँ. देखो अस्मा, सारे कितने अच्छे लग रहे हैं ना. हेलो, अच्छे लग रहे. अस्मा कैसी थी? आप ही वॉशरूम में तो नहीं है क्या? सब नहीं है? नहीं है, खुद चेक कर लो. हटो, चेक करो. आप ही ना तो नहीं है, तो उसी कारण मैं होंगी. चलो ना, बारात आ गई है. आ रहेगी आप ही. Thank you.
अगर उसने शादी नहीं करनी थी तो बता देती पहले। तुम शादी के रोज घर से भाग गई वो? हमारी बार तो तुम बोलती थी कि बच्चे एक दूसरे को देखेंगे, समझेंगे, फिर शादी करेंगे। क्यों मिन्नी, तुमने शादी से पहले अपनी बेटी से राय नहीं ली थी? यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या है। आसार तो मुझे यही लग रहे हैं कि वो भाग गई है किसी के साथ। नहीं भागी वो किसी के साथ, खुदा के लिए चुप कर जाइए। मैं अपनी बहन पर खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ, नहीं भाग सकती है वो। छोटा मुंह बड़ी बात साहब, मैं जानता हूं मेरा इस बात में बोलना नहीं बनता, लेकिन छोटी बेगम साहब जो कह रही है मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। मेरा दिल, मेरा जहन दोनों में से कोई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि बड़ी बेगम साहब ऐसा कुछ कर सकती हैं। मुझे यकीन है इस बात का, इस साजिश के पीछे आपका कोई पुराना दुश्मन है। हेलो, मुझे इन्वेस्टिगेशन नहीं, अपनी बेटी चाहिए। अगर शाम तक मेरी बेटी घर ना पहुंची तो तुम सबको मौतल करवा दूंगा। मुरीद जी साहब,